हाय एवरीवन, वेलकम एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड लाइव एनालिसिस पार्ट 4। तो दोस्तों पार्ट 3, 2, 1 सबको पसंद आया। इवन अब हमारा मूविंग एवरेज वाला पार्ट जो सीरीज़ है वो भी सक्सेसफुल है। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन आपको पता ही है। ओके तो दोस्तों ये वीक में आपको क्या क्या स्टॉक्स पे वॉच करना है, राइट? तो अपोलो हॉस्पिटल ऑन डेली चार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा माइक्रो एनालिसिस हमें करना है, राइट? छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक गिरा नहीं है इसलिए मैंने इसको चुना है। सबसे पहले इनसाइड बार आपको दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ओके? फिर ये इनसाइड बार जो था वो ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, राइट? और रिएक्शन भी हो गया अपना, राइट? और वो भी लो ब्रेक हो चुका है। दूसरी बात, ये जो चैनल है फ्रेंड्स यहाँ से, वो भी ब्रेक हो चुकी है, राइट? तो देखो, जब भी दोस्तों डाउन ट्रेंड चैनल हो और उसको भी वापस ब्रेक करें, ओके, तो उससे अच्छी बात तो कोई नहीं है, ओके? तो ये लो के नीचे आपको वॉच करना है अपोलो हॉस्पिटल। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, द लो इज 1726.10, दिस इज द कैश चार्ट, राइट फ्रेंड्स? इफ इट टेक्स द रिएक्शन एंड इट, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, राइट? इट विल बी हॉट कैश फॉर यू, ओके? रिएक्शन यानी मंडे थोड़ा ऊपर क्लोज देता है। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ा भी मार्केट बढ़ता है तो लोग कहते हैं बॉटम बन गया, बॉटम बन गया। बॉटम ऐसे नहीं बनता है दोस्तों, राइट? उसमें बहुत वक्त लगता है, ट्रेंड के साथ चलना है, क्योंकि दिक्कत यही है दोस्तों, जब गिरता है तो बात करते हैं यहाँ से टर्न होगा, जब बढ़ता है तो बोलते हैं यहाँ से टर्न होगा, राइट? अभी मैं निफ्टी देख लेते हैं हम डेली चार्ट पे। निफ्टी की हालत तो देखो दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बताई थी, वीकली पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इवन मैंने कहा था रिएक्शन के लो के नीचे जाए तो इसका काम तमाम हो जाएगा, और हो भी गया। और लिक्विडिटी इज़ द किंग, हमने एक वीडियो भी बनाया था। फिर यहाँ से 3 दिन जब भी बढ़ा, 4 दिन, तो लोग कहते थे कि अभी ये तो ठीक है, लिक्विडिटी कह रहे थे। और तो लिक्विडिटी इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जो भी बढ़ रहा है उसमें निकलो, राइट? या फिर नया मत खरीदो, ओके? तो इतना ज़्यादा टाइम दिया, और यही चीज़ 2007 या 2008 का जो पैनिक था उसमें मैंने कहा था, तो तब भी यही हुआ था दोस्तों, गिरने के बाद ये बढ़ता है तो उसमें निकलना है, यानी मार्केट अच्छा है, चार्ट अच्छा है, वो आपको एडवांस में बताता है, लेकिन तब नहीं निकल गया, राइट? अभी जिसने, ठीक है चलो मान लो किसी ने यहाँ से लेके कमाया भी होगा, भाई वापस वो यही लेवल पे लेने ही वाला है, ओके? तो अब ये लेवल में उसका काम जो है वो तमाम हो जाएगा। दूसरी बात, इतना लंबा स्विंग तो उसने होल्ड किया नहीं होगा, राइट? और लॉस में तो एवरेज ही करते हैं, राइट? और ये नहीं करना है। कई लोग कहते हैं बॉटम बनेगा, बॉटम बनेगा। दोस्तों मैं अभी आपको वार्निंग दे देता हूँ, बॉटम ठीक है, अभी लोग अब ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ से रिवर्स होगा, रिलीफ रैली आएगी, इट्स ओके, आ सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, राइट? हर लोगों का हर रिसर्च अलग अलग है, बट ये क्लियर देखो फ्रेंड्स, गैप डाउन है, ये वाली डाउन ट्रेंड चैनल जो चल रही है उसके नीचे क्लोज दिया है, वो भी गैप डाउन के साथ, राइट? तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता है तब तक तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो वो गैप है 1153.60, तो वो जब तक फिल नहीं होता तब तक ऊपर वाले यहाँ तक के लोग तो ट्रैप हो चुके हैं, तो वो फिल नहीं होता तब तक वीकेंड से कि बॉटम बन गया है, तो उसकी एक प्रोसीजर होती है। तो आपको, हमको लगता है कि 300 पॉइंट बढ़ने के बाद बॉटम बनेगा, क्या मतलब? तो दोस्तों बट नीचे 500 पॉइंट चला गया तो क्या, राइट? अभी निफ्टी की ऑपरेशन कर लेते हैं दोस्तों, डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा था उसमें भी वापस नीचे क्लोज दिया, ओके? इवन विद द गैप डाउन, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अगर मंडे रिएक्शन ले सकता है फ्रेंड्स, और रिएक्शन 100-150 पॉइंट का भी आ सकता है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी बॉटम बन गया, राइट? मान लो ऐसा रिएक्शन आया, फिर ट्यूजडे ये लो ब्रेक होता है तो सबसे बेस्ट है, राइट? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी फिलहाल है नहीं, अगर पुल बैक ऊपर भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिट करना है अगर फंसे हुए हो तो, राइट? सो ये हो गया आपका निफ्टी का, ओके? अभी निफ्टी में मंथ वीकली चार्ट पे भी देख लो दोस्तों, डाउन ट्रेंड चैनल के नीचे क्लोज दिया है, संभालना। मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो कई लोग कहते हैं ये मंथ में तो बढ़ेगा, मार्च एंडिंग है तो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को, ऐसा ऐसा बहुत कुछ मेरे 19 साल के करियर में बहुत कुछ सुना है, राइट? तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से मल्टीपल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये किए फिर यहाँ से आप लोगे ये पॉइंट, राइट? तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ही टूट चुका था, राइट? और ये लोग के नीचे वेट कीजिए, वॉच कीजिएगा, हो सकता है मार्च मंथ में, मैं आपको अभी अप्रैल तक का बता देता हूँ, मार्च मंथ में हो सकता है एक पुल बैक ले, यानी एक क्लोज, ये मंथली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ निफ्टी,
तो ऐसे ऊपर क्लोज दिया राइट। फिर हो सकता है अप्रैल में ये लो ब्रेक हो, तो उसका क्या होगा आप देख सोच लो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता है मार्केट, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। या फिर ये लो के नीचे चला गया मार्च में, तो भी थोड़ा हो सकता है नीचे जाए राइट। कहाँ तक जाए, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं राइट। फ्रेंड्स मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए राइट। दूसरी बात दोस्तों, अगर इसके नीचे ही ओपन होता है तो मंथली का लेवल आपको बता दूं मैं 1.1175.05 राइट। तो और बुरा हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से फिर कोई मतलब नहीं है राइट, मीन्स चांस ही नहीं मिलेगा ओके। बट मैंने बता दिया कि इसमें क्या हो सकता है, ये लो के नीचे वॉच कीजिएगा, द लो इज 1.1175.05 राइट फ्रेंड्स। तो ये हो गया निफ्टी की हालत। अभी निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी आईडी का तो आपको ट्रेड बताया ही था मैंने लाइव एनालिसिस पार्ट 3 में। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक दोस्तों उसमें क्या है, कुछ एमएससीडी तो वीक है दोस्तों, ठीक है इवन, और कुछ दिखाने लायक हो तो दिखा देता मैं आपको। ईडीएक्स में भी कुछ है नहीं, बॉलिंगर बैंक में भी कुछ नहीं, एमएससीडी दिखा देता हूँ। बट एमएससीडी ठीक है, अभी उसमें इसमें देखने लायक चीज़ है तो वो सिर्फ मंथली चार्ट है इसका। इसमें भी सेम दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओके। तो ये मंथ में निफ्टी बैंक में भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लो के नीचे, द लो इज दिस ऑल आर कैश स्टार्ट फ्रेंड्स 2.9051.50 ओके। अगर मार्च में रिएक्शन आता है यानी बढ़ेगा, तो फॉर्म में आने की हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, कॉशियस रहना है। ऐसा कुछ भी बढ़ता है 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट राइट, फिर अप्रैल में ये लो ब्रेक होता है तो सॉलिड ही है। बट हो सकता है मार्च में ये लो ब्रेक हो जाए, गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मौका नहीं मिलता है राइट। बट ये लो के नीचे गया तो भी मूव आ सकती है राइट। कहाँ से आ सकती है, तो दोस्तों जो जो बॉटम है वो आप यहाँ से ड्रॉ कर दो। नीचे ही खुलता है तो फिर दोस्तों ट्रैप होने की बहुत गुंजाइश रहती है। क्या होता है, लो के नीचे ही ओपन होता है फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे ही यहाँ कहीं पे ओपन होता है फिर ऊपर चला जाता है, वही दिक्कत है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लीवर के नीचे ओपन होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है राइट। तो ये रहा निफ्टी, निफ्टी बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल। नाउ टाइम टू मूव ऑन वीकली चार्ट। आपके लिए वीकली जो भी हमारे खिलाड़ी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और फार्मा राइट। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो होप अभी भी लाइक कर सकते हो। एक यहाँ पे इसकी हालत ऑरो फार्मा लास्ट वीक ओपन है, सेम है इनसाइड बार है, फिर इसको ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द बॉटम फ्रेंड, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है बॉटम बॉटम ढूंढते हैं, बॉटम ढूंढना से अच्छा है ट्रेंड के साथ ट्रेड करो फ्रेंड्स। ऐसा कोई नहीं है, आप बॉटम में माहिर है तो बॉटम ढूंढिए, आपको जो अच्छा लगे कीजिए ठीक है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है राइट, ये ब्रेक हो सकता है राइट। तो ये लो के नीचे इसको वॉच करना, इवन मेन पर्पज़ है इनसाइड बार। तो ये लो के नीचे 6482.30 के नीचे ध्यान रखना है राइट, या फिर 489.40 ओपन है सेम है, तो ये लो पे भी ध्यान रख सकते हैं राइट फ्रेंड्स। कहाँ तक जा सकता है तो उसके लिए तो आप फिर बहुत ठीक है, जगह ही जगह है, पर वो बाद में देखेंगे, अभी वो मैं बात नहीं करूंगा आपको राइट। फिर मेरा दूसरा स्टॉक है जो ध्यान में रखना है, बजाज फिनसर्व। चार्ट से काम कीजिए दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि ये भी गिरा नहीं है तो उसको बहुत पोटेंशियल है, उस हिसाब से मैं सेल नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद देखिए, आदत आपकी आई सेट हो जाएगी दोस्तों थोड़े दिनों में। क्या दिखा इनसाइड बार राइट, ये लो क्या था, द लो वॉज 8820 8825, तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो इसमें ध्यान बनाना पड़ेगा। इनसाइड बार है और ये वाली कैंडल ने ओपन है सेम दे दिया, यानी उसने सिग्नल दिया है कि ये लो ब्रेक होने की गुंजाइश बहुत है राइट फ्रेंड्स। तो उसको ध्यान में रखिएगा, मूव बहुत बड़ी इसमें आ सकती है, कहाँ पे आएगी वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ओपन है सेम है, तो आप सभी को पता ही भी है कि और ये लो ब्रेक होगा राइट। होगा तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है राइट। और ये जो गैप है वहाँ तक भी टारगेट बना सकते हो, बट रिवाइज करना पड़ता है स्टॉप लॉस में। हर वीडियो में कहता हूँ कि एवरी वीक रिवाइज करो, डेली है तो एवरी डे राइट ओके फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट द बजाज फिनसर्व सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसमें हमने ऑलरेडी मूविंग एवरेज पार्ट 10 में डाला था ट्रेड।
मैंने आपको दिखाया था लाइव एग्जाम्पल पे, एक बार आप देख लीजिएगा। तब हमने डेली चार्ट यूज़ किया था, यहाँ कहीं से दिया था आपको, पता है ना। आप एक बार फिर भी वीडियो देख लीजिएगा, मूविंग एवरेज चार्ट 10 राइट 567.20 के नीचे था, अभी देख लीजिए इसकी हालत तो। बट और अभी भी इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्यों गुंजाइश से ज़्यादा है तो देख लेते हैं दोस्तों। का बहुत सारे अच्छे व्हाट्सएप, जो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है व्हाट्सएप, और उसमें तो सभी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे कमेंट कर कीजिए राइट। यहाँ से देखो ये चैनल भी टूट चुका है, इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ठीक है, ये इनसाइड बार है, वो ब्रेक है, ओपन है, सेम है, ये रो के नीचे ध्यान रखना है। द नेम ऑफ दिस स्टॉक इज 5 सेंचुरी टेक्स, देखो नाम भी भूल जाता हूँ फ्रेंड्स, नाम से कोई लेना देना है नहीं, रो इज 5.03.35 है फ्रेंड्स। फिर अनदर स्टॉक इज टोला, वीकली चार्ट पे से वॉच कीजिएगा, डेली चार्ट पे भी वॉच ही करना है आपकी, दिस कैपेसिटी से करना है। शॉर्ट में तो आप रिस्क मैनेज कर नहीं सकते हो राइट, इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि रिस्क मैनेज सिर्फ आप लॉन्ग साइड ही कर सकते हो, वही प्रॉब्लम है, या फिर ऑप्शन, बट ऑप्शन में सभी जगह में वॉल्यूम सभी स्टॉक में नहीं रहते। चोला में भी सेम थिंग है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं पिन पे नहीं ले जा रहा हूँ, इनसाइड बार है राइट, ये लो ब्रेक हुआ है, ओपन है सेम के साथ, तो इसमें 3.00.55 के नीचे राइट। कितना गिरेगा अभी, कितना गिरेगा बस हो गया, ऐसा उसमें मत पड़िएगा वरना फंस जाओगे। जब बढ़ता था तब कितना आपने एंजॉय किया राइट, तो दोनों चीज़ आपको एंजॉय करनी है। फिर डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी ने तो तोड़ दिया है सब कुछ, सब सपोर्ट। और दोस्तों दूसरी एक बात मैं बता दूं, मैं पहले बोल, ये सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट लेगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा फ्रेंड्स, वरना निकल नहीं पाओगे सपोर्ट सपोर्ट के चक्कर में ठीक है। फिर सपोर्ट टूटता ही रहेगा, नए नए सपोर्ट आप ढूंढते ही रहोगे अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन। तो वो गलती लोगों ने 2007 में भी की थी, तो वो वापस दोहराएगा मत राइट, मिस्टेक करनी है लेकिन नई वाली करनी है, रिपीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओके सो ये लो पूरा चैनल तोड़ चुका है, ओके ओपन हाई भी इसमें सेम है लग रहा है, हाँ सेम है। तो एक वन मोर एडिशन कि भाई ओपन है सेम है, तो आपको एक फ़ायदा और हो सकता है राइट, गारंटी नहीं है, गारंटी मैं कभी दूंगा भी नहीं क्योंकि मैं लिमिटेशन जानता हूँ। ओके सो 19 साल में सब अच्छा जो सही है वही मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2.05.25 ध्यान रखिएगा डॉक्टर रेड्डी राइट, ओके वरना इसी की दवाई लेनी पड़ेगी राइट, तो ध्यान रख के कीजिए, एवरेज मत कीजिए फ्रेंड्स। जीएमआर इंफ्रा में तो मौका ही नहीं मिला आपको राइट। वीकली चार्ट पे ये पूरा कैंडल को निकल चुका है, तो ये पैटर्न कौन सा है आपको पता ही है, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा नाम इसका राइट। ये लो के नीचे 19.75 के नीचे इसका भी गेम ओवर हो सकता है, टाइम से देख लीजिएगा। फिर जिंदा स्टील है, जिंदा स्टील भी इनसाइड बार था कि नहीं फ्रेंड्स, नहीं था, बट इसने शायद सब चैनल वैनल तोड़ दिया है। इसको ले चलते हैं पेंट में, अपने ऑपरेशन थिएटर में। तो दोस्तों यहाँ से बॉटम से ड्रॉ कर रहे ट्रेंड लाइन, आंसर मिल गया आपको, ओपन आई भी शायद इसमें भी सेम है क्या, यस राइट। ये लो के नीचे उसको भी वॉच कीजिएगा, रिएक्शन आता है मैं ऑलवेज कहता हूँ, यानी नेक्स्ट वीक में हो सकता है सब स्टॉक में थोड़ा बहुत अप मूव आए राइट। ये देखो ऐसा आ गया, फिर तो मज़े ही मज़े राइट। लिक्विडिटी इज द किंग वाले वीडियो में निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन आने के बाद उसका लो ब्रेक होगा तो बहुत बेहतर मिलेगा, और वही चीज़ हुई है राइट, मेरे कहने से नहीं हुई है, जो होती है उसी को हम फॉलो करते हैं राइट। फिर MGL MRF एंड नौकरी, तीनों साथ में याद रखने की ट्राई करता हूँ राइट, MGL MRF एंड नौकरी। तो MGL में भी देखो ये पूरा इंसाइड सब चैनल तोड़ चुका लगता है, देख लेते हैं इसको भी ले चलते हैं, फ्यूचर में तो सबका फ्यूचर बिगड़ जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ या तो ऑप्शन में या सबसे बेस्ट कैश में ही करना पड़ेगा, कैश में शॉर्ट का प्रॉब्लम है, वही दिक्कत है। यहाँ से करो ड्रॉ, फिर मल्टीपल, आई एम टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ द मल्टीपल ट्रेंड, ब्रेक हो चुका है राइट। तो दिस इज द MGL राइट, उसको ये लो के नीचे 1,005.30, इसमें भी रिएक्शन आया, सभी स्टॉक में रिएक्शन को ले लीजिएगा,
दूसरा था MRF। MRF का टायर कभी भी पंक्चर हो सकता है, फट सकता है नेक्स्ट वीक में, देख लेते हैं। अभी देखो दोस्तों, जब हमने लिक्विडिटी इज द किंग या जो बोल रहे थे तब हमें पता था ये सब कोरोना वायरस होगा। अब बता रहे हैं कि कोरोना वायरस, तो न्यूज़ ऑलवेज बाद में आएंगे फ्रेंड, बट फिर बढ़ जाएगा तो ऐसा है क्या कि अभी कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, तो इसीलिए न्यूज़ मत देखो, चार्ट देखो। राइट, अब कोरोना में ही पड़े रहोगे, हम हमारा माइंड जो रहेगा वो कोरोना में एंगेज रहेगा, और यहाँ पे मार्केट बढ़ भी जा सकता है, बट अभी फिलहाल कोई ऐसे गुंजाइश नहीं, बट सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी न्यूज़ में स्टिक मत हो जाना। ठीक है, चार्ट देखेंगे, चार्ट से आइडिया आएगा रिवर्सल का तो देखेंगे। ओके, तो ये वाला चैनल तोड़ चुका है, ये चैनल तोड़ सकता है, तो ये लो के नीचे वॉच करेंगे 65315, अगर रिएक्शन लेता है तो वुड बी बेटर। राइट, रिएक्शन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और नौकरी, नौकरी पता नहीं अभी कितने लोगों को नौकरी देगी। राइट, नौकरी .com में सीनेरियो है, इसमें भी सब टूट चुका है, इसका लो बहुत दूर है, रिकवर हुआ ऐसा लगता है, बट बॉटम बनी है, ऐसा वर्ड यूज़ मत कीजिएगा फ्रेंड्स। अभी बॉटम बनी है तभी कह सकते हो जब भी ये हाई ब्रेक होता है। राइट, तब तक नहीं कह पाओगे। तो यहाँ यहाँ से शुरू करो, पहले ये दो बॉटम लो, फिर ये बॉटम लो। ओके, कोई चीटिंग नहीं चलेगी फ्रेंड्स, ये बॉटम लो। राइट, तो ये टूट चुका है, तो इसको भी वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, बिलो दिस लो 2323.30। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा आपको वीडियो। ओके, तो लाइव एनालिसिस पार्ट 4 है, ट्राई करूंगा हर रोज लाइव एनालिसिस का पार्ट बनाऊंगा। राइट, तो दो वीडियो भी कभी कभी आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द बॉटम एंड ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड आपको पता है। ओके, सो मिलते हैं फिर।